हे गाइस, दिस इज पार्थ गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बुक हैकर्स। तो आज हम बात करेंगे गाइस क्लास 9th की नगीन प्रकाशन के चैप्टर 13 के बारे में, और एक्सरसाइज लेंगे हम 13A। यहाँ हम बात करेंगे गाइस क्यूब की, क्यूबॉइड की, और कहीं ना कहीं जो है हमसे यहाँ पे TSA और बाकी चीज़ें मतलब हमको मिलेंगी कि हमें किस तरह फॉर्मूलों का यूज़ करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गाइस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आए तो प्लीज़ गाइज उसे थोड़ा इग्नोर करना, आज के लिए मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ घर के आसपास चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। लेकिन मैं वीडियो देखो डालनी तो थी बहुत लेट हो गया, 3 दिन से 4 दिन ऊपर हो गए हैं, तो वीडियो आ चुकी है। अब आपकी शिकायत थी कि भाई उसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, उस जो हमारा वो था पूरा रजिस्टर, तो सोचा है इस तरह से आपके सामने पेश करें और हाथों हाथ क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करें। वीडियो शायद थोड़ा लंबा बन जाए, बट देखो पढ़ाई के मामले में मुझे नहीं लगता कि अगर आप 15-20 मिनट अपने निकाल लो और आपके 10-15 क्वेश्चन हो जाएं तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। फॉर्मूले मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अभी, अगर आप चाहते हो फॉर्मूले कैसे बने, क्या फॉर्मूले हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ, बट अभी के लिए गाइस फॉर्मूले मैं नहीं कर रहा हूँ कवर, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्योंकि फॉर्मूले आप बुक से भी देख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है फॉर्मूलों को लेकर। तो गाइस क्वेश्चन में फर्स्ट हम लेके चलेंगे, आप अपनी बुक खोल के बैठिए, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। और क्वेश्चन यहाँ पे गाइस हमारे सामने कुछ ऐसा है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हूज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। आपको गिवन है, आपको लेंथ दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 3.5 मीटर, आपको ब्रेथ दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 2.6 मीटर, एंड आपको हाइट दे रखा है इस क्वेश्चन में 0.9 मीटर। ठीक है, तीनों ही चीज़ें आपकी जो है सेम यूनिट में है, मतलब मीटर में है। आपसे डायरेक्ट पूछा है वॉल्यूम, बहुत ईजी है, वॉल्यूम निकालेंगे, फॉर्मूला होता है गाइज L इंटू B इंटू H। आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, 3.5 मल्टीप्लाई 2.6 मल्टीप्लाई 0.9, जो कि यह आपको कुछ ऐसा मिलेगा, सॉल्व करके इट विल बी ये हो जाएगा आपका 8.19 मीटर क्यूब। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ गाइज, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये अक्सर लोग लिखते नहीं है एंड में, और यहाँ पे जो है वो अपना हाफ मार्क्स करके भी टीचर्स का दिमाग घुमा हुआ हो अगर तो वो एक मार्क्स भी इस पर ले जाते हैं उड़ा के। तो यह ध्यान रखिएगा आप, ये आपका यूनिट बिल्कुल लिखना है आपको अच्छे से। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, मतलब TSA, फॉर्मूला होता है गाइस 2LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ मैं थोड़ा फास्ट लेके चलूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 2.6 प्लस 2.6 इंटू 0.9, और ये हो जाएगा प्लस 0.9 इंटू 3.5। तो यहाँ गाइज आप पहले करेंगे मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स को, क्योंकि मैं देखा है 9th क्लास में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स वीक हैं। तो गाइज अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो पहले देखो अपने बेसिक्स पे काम करो, क्योंकि 9th है फिर 10th है, दिक्कत बहुत आने वाली है। अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो आगे दिक्कत आ सकती है, पर कोई बात नहीं, जैसा भी है मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ क्यूब आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हम मीटर को हर एक केस में 2-2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पावर 2 आएगी, यहाँ पावर 3 आएगी। अगर ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट था जो गाइस ख़त्म हो चुका है, अब बात करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, जो कि है एक सेकेंड तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, वीडियो चाहे कितनी लंबी बन जाए, मैं कोई ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग भी नहीं करने का, हो जाएगा ऐसे ही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स सी, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर, आपको ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इतना। अब वॉल्यूम भी गिवन है, आपसे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ क्या है ये नहीं पता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम आपको दे रखा है 1.92 मीटर क्यूब, लेंथ नहीं पता, ब्रेथ आपको गाइज यहाँ पे दे रखा है 1.20 एंड हाइट आपको यहाँ दे रखा है गाइज 0.80। तो जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पहुँच के डिवाइड में आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा 1.20, नीचे आ जाएगा 0.80। यहाँ से आप पूरा सॉल्व करके इसको पॉइंट हटा के जीरो ऐड कर सकते हैं, और ये आपका मिलेगा आपको लेंथ यहाँ पे 2 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, शिफ्टिंग करी है हमने, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में वहाँ पहुँच के डिवाइड में आ गया। अब गाइस बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3rd की हमारे, जो कि है कुछ ऐसा, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज
5:3 आपको लेंथ ब्रेथ नहीं दे रखा है, लेकिन लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशो दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे लेंथ को, लेट लेंथ बी 5x एंड आप ब्रेथ को लेंगे 3x, ठीक है। और इसकी हाइट आपको दे रखी है गाइस 5, तो हाइट दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर डायरेक्ट दे रखा है। वॉल्यूम गिवन है आपको, वॉल्यूम गिवन है आपको कितना, 4800। हाथ मेरा उल्टा पड़ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू 4800। तो लेंथ कितना है आपके गाइस 5x इंटू 3x इंटू 5, तो 4800 ये आपका क्या बन जाएगा 75x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 4800। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 4800/75, जो कि काट कूट के आएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट गाइस कितना होता है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पूछ रहा है लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, इस 8 को वापस से इन में रख दो, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए। लेंथ आप पे कितनी थी 5x थी ना, तो 5 × 8 5 × 8 = 40, और ब्रेथ निकालने के लिए 3x था, तो 3 × 8 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगा और ब्रेथ भी मिल जाएगा। आते हैं फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो कवर करेंगे, बाकी आपको जस्ट इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा जहाँ हम बाकी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो को थोड़ा फास्ट डालूंगा, शायद एक दिन में दो भी आएँ। बहुत दिन से सोच रहे थे कि यार कॉन्सेप्ट क्या रखें, आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा ईजी हो जाए आपके लिए पढ़ने में, तो हमने सोचा है कि भाई व्हाइट बोर्ड पे करेंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व, नो प्रॉब्लम। तो गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है क्वेश्चन 4 की, दो क्यूब हैं आपके पास, हर एक की साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये एक क्यूब की शेप है और ये एक और क्यूब है, ठीक है, इसकी साइड 5 है, इसकी भी साइड 5 है, अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इनको इस तरह से जोड़ दूंगा तो क्या होगा कि 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, तो पूरी लेंथ जो आएगी नए क्यूबॉइड की वो आएगी 10, और जो हमारी ब्रेथ और हाइट है वो सेम रहेगी 5 5। तो हमें इससे क्या पता चला कि दो क्यूब के जोड़ने पे जो नई लेंथ निकल के आएगी वो आएगी 10, और जो ब्रेथ और हाइट है वो सेम रहेगा। तो लेंथ होगी गाइस 5 + 5 10 सेंटीमीटर, किसकी, क्यूबॉइड की, ब्रेथ 5 ही रहेगी और हाइट भी 5 रहेगी। अब बस फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया भी आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं फॉर्मूला 2lb + bh + hl। तो 2 लेंथ कितना है 10 × 5 + 5 × 5 + 5 × 10, 2 पार्ट है 50 25 50, 2 125, दिस विल बी 250 cm². यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म एकदम। अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगर कोई दिक्कत है गाइस किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में चैनल के मिल जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन 5 पे फटाफट से, इस बार 3 क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम गिवन है 125 cm³ आर जॉइंट एंड टू एंड, उनको जो है एक के साथ एक जो है तीनों क्यूबों को, मेरा हाथ थोड़ा उल्टा पड़ रहा है, तीनों क्यूबों को यहाँ पे इसमें ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको चाहिए सबसे पहले इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह चाहिए, जो नया वाला क्यूबॉइड आएगा उसकी। तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकाल लेंगे साइड कि एक क्यूब की साइड कितनी होगी, तो आप पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है गाइस साइड का क्यूब, और साइड तो पता ही नहीं आपको, यहाँ दे रखा है 125, क्या है ये 3 क्यूब्स ईच वॉल्यूम 125, हर एक क्यूब का वॉल्यूम 125 था, तो यहाँ से निकल जाएगा इसका क्यूब रूट और आपके पास जो साइड आएगी वो आएगी 5 सेंटीमीटर। अगर एक क्यूब की साइड 5 है तो 3 क्यूब को मिला के जो कंप्लीट लेंथ आएगी वो कितनी होगी 15, ब्रेथ 5 ही रहेगी और हाइट भी 5 ही रहेगी। ये किसकी है, ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्यूबॉइड की हैं, क्यूबॉइड की, ठीक है ना। अब आप आराम से जो है
एल बी एच को यूज करके जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है फोर्थ क्वेश्चन में, आप टी ए से निकाल सकते हैं। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद करिएगा। अगर वरना सब कुछ दे देख के कॉपी करते रहोगे तो दिमाग कैसे चलाओगे अपना। आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट से, जो कि आपकी स्क्रीन पे, तो हाँ आपकी तो स्क्रीन पे ही, मेरे व्हाइट बोर्ड पे। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड, अब दे रखा है रेशियो में, तो रेशियो को फिर से आप 5x मानेंगे लेंथ, ब्रेथ मानेंगे 3x एंड हाइट आपकी क्या हो जाएगी 2x। अब बोल रहा है उसका वॉल्यूम गिवन है 240, बस जो गिवन है उसी को यूज़ करो। वॉल्यूम दे रखा है l into b into h, 240 है, 5x into 3x into 2x, 240 दे रखा है, 5 से 30 हो गया, x का क्यूब हो गया, यहाँ पहुँच के डिवाइड हो जाएगा और ये आपका जाएगा 8, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, x आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इसको उठा के वापस से l, b और h में रख दो x के साथ, तो आपके पास नई जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, 5x थी ना, तो 5 इंटू 2 मतलब 10, हाइट कितनी थी 3x, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, सॉरी वो तो ब्रेथ थी, हाँ हाइट कितनी जाएगी 2x, तो 2 इंटू 2 कितना 4 सेंटीमीटर। अब तीनों चीज़ें हैं, अब मैं फिर आप पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पूछ रहा है फाइंड TSA टोटल सरफेस एरिया, खुद निकालो कोशिश करो, दिक्कत आए तो पूछ लेना, वैसे हो जाएगा। फॉर्मूला है आपके सामने, फॉर्मूले को यूज़ करना है बस, मैंने पीछे क्वेश्चन में कर दिया है इसलिए थोड़ा सा नहीं कर रहा हूँ। जो मेन मेन चीज़ें हैं देखो मैं आपको वो सब चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी तो देखो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आते हैं फटाफट से क्वेश्चन 7 पे, सॉरी बोर्ड हिल गया। फाइंड द वॉल्यूम एंड TSA ऑफ क्यूब हुज ईच एज इज, बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन 7 में दे रखा है, आपको एज दे रखा है, एज मतलब साइड, सिंपल। क्या दे रखा है आपको एज, 2 meter 40 centimeter, तो आप इसे चेंज कर लेंगे मीटर में, तो ये बन जाएगा 2.40 meter। अच्छा अब निकालना है वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, तो 2.40 का आप क्यूब निकाल देंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा क्यूब पर, क्यूब किस तरह निकालते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई, पावर 2 है तो 2 times मल्टीप्लाई, आपका आंसर आएगा 13.824 meter cube। और फिर पूछ रहा है आपसे TSA निकालिए भाई क्यूब का, तो फॉर्मूला होता है गाइस 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड को बहुत सी जगहों पे ए भी, ए से भी दिखाया जाता है या फिर आप एच भी लिख सकते हैं, तो 6 इंटू साइड कितनी है 2.40 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2.40 इंटू 2.40 और इन सबको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर विल बी 34.56 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है ना, हाँ मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। आते हैं गाइस फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि यह बड़ा हार्ड है रब करने में, ये आई थिंक आई हैव टू चेंज द डस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं गाइस, जो ये है कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आउटर डायमेंशन से एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स की, एक बॉक्स है जो कि बंद है, देखो ध्यान से सुनना, एक बॉक्स है क्यों, जो कि लाइक बक्सा या पेठी जो होती है संदूक टाइप से, तो वो पूरा बंद है और जो उसकी बाहर के डायमेंशन है गाइस वो है 22, 15 and 10। जो थिकनेस यूज हुई है उस बॉक्स में, जो लकड़ी या फिर जो लोहा, जो मेटल यूज हुआ है उसमें, वो हुआ है वुड, यहाँ पे वुड यूज हुआ है, वो हुआ है 1 centimeter का। अब एक बात देखो बहुत ध्यान से समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि चलिए ये एक बॉक्स है, मैं इसका एक, और ये जो है इसके अंदर का जगह हो गया, ठीक है, और ये है लकड़ी जो इसमें यूज़ करी गई है, ठीक है। अब जो है ये बोल रहा है बाहर की डायमेंशन जो है, बाहर की लेंथ जो है वो है 22 centimeter और जो लकड़ी की जो ये थिकनेस है वो है 1 centimeter, तो आपको अंदर की डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरी कितनी है 22, यहाँ से भी 1 और यहाँ से भी 1, आप लेस कर दीजिए, मतलब 22 में से आप एक यहाँ से मतलब 2 numbers को लेस करेंगे तो अंदर की जो लेंथ आएगी वो आएगी 20, समझे। ऐसे ही काम होता है ब्रेथ में और सेम होता है हमारा हाइट में, कि भाई जो भी आपको थिकनेस दे रखी होती है, अगर बॉक्स क्लोज्ड है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ऐसा भी है जो कि ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है, तो उसकी हाइट में सिर्फ एक ही बार लेस होगा, तो अभी क्लोज्ड बॉक्स है तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में
पहले लिखेंगे आप वही आउटर लेंथ, आप कंप्लीट लिखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जो कि आपको दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आउटर ब्रेथ आपको क्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर एंड आउटर हाइट आपको क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप निकालेंगे आउटर वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट नंबर लिख दिया, आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा, दिस विल बी 3300 सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे हम इनर लेंथ, तो 22 में आप माइनस करेंगे 1 + 1, मतलब 22 - 2 20 आएगा आपका इनर लेंथ, ठीक है। ऐसे ही इनर ब्रेथ, तो 15 में से भी 2 माइनस 13 आएगा, और इनर हाइट कितना हो जाएगा 10 में से 2 माइनस करो 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही इनर वॉल्यूम कितना होगा गाइस, वही L इंटू बी इंटू एच, 20 × 13 × 8 ये वाले यूज होंगे जो माइनस करने के बाद आएंगे, जो कि आपको आंसर देंगे 2080 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वुड का गाइस फॉर्मूला हो जाएगा आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आप गाइस कंप्लीट लिखिएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट जहाँ मुझे दिख रहा है कि नेसेसरी नहीं है वहाँ मैं नहीं लिख रहा, टाइम नहीं वेस्ट कर रहा। तो ये आपको मिलेगा 1220 सेंटीमीटर क्यूब, 3300 2080 माइनस करेंगे, हाँ 1220 एंड सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या क्या करेंगे गाइस, मैं कहाँ करूँ कॉस्ट, कॉस्ट कहाँ निकालूँ मैं, कॉस्ट निकालने के लिए बस इसकी आप 1.50 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ कर दूँ क्या, तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड उसकी 1.50 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो कर सकते हैं, मतलब इसकी आप 1.50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि आपको कॉस्ट दे रखी है बुक में, ये खुद करना। मैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छोड़ रहा हूँ, ताकि लगभग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में, ताकि आपको थोड़ा बहुत अपना यू नो फोकस मेंटेन रहे, वरना बिल्कुल चीज़ें ऐसी हो जाएंगी बस वीडियो कानों में ईयरफोन लगाए और बस कॉपी पेन लेके बैठ गए, बस देख के कॉपी करते जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस फटाफट से। कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल, सिर्फ 4 वॉल हैं एक रूम की, आप जिस रूम में बैठे हैं सोचो उसकी जो 4 वॉल हैं, इमेजिन करो वहाँ पे जो है पेपर लगा था जो कि 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर की कीमत थी, जो कि बैठा खर्चा कुल मिला के 240। अब देखो इस चीज़ को समझो, जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक पेन 3 रुपये का है और मैं इतने पेन लाया कि मेरा खर्चा कुल मिला के जो हुआ है वो हुआ है मेरा 36 रुपीज़ का। समझो एक पेन में 3 रुपये का अगर लेके आया हूँ तो मेरा कुल मिला के खर्चा जो हुआ है वो हुआ है 36 रुपीज़ का, तो कितने पेन लिए मैंने, तो अब क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहाँ है कि अगर एक मीटर स्क्वायर का खर्चा 75 पैसे है, मतलब 0.75 रुपीज़, तो ₹240 कितने मीटर स्क्वायर में होगा, तो अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इससे आपको मिलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा आपका गाइस, 240 को आप डिवाइड करेंगे 0.75 से, पैसे को मैंने रुपीज में चेंज कर लिया है, फॉर्मूला आपको पता ही है, नहीं पता था बुक में देख सकते हैं, वरना आप मुझसे अलग से पूछ सकते हैं फॉर्मूले की कोई ऐसी बात है तो। तो यहाँ से आपको मिलेगा गाइस ये पूरा 320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं इसे एक बार, ये कितना जाएगा, 5 × 5 = 6 × 7 = 15, 5 × 4 = 28 और ये आपको जाएगा 15 × 3 = 45, हाँ 320 मीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में और दे रखा है हाइट दे रखा है 5 मीटर का, और फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम, अगर वो रेशियो में है तो हाइट क्या दे रखा है आपको गाइस 5 मीटर, लेंथ 5x मान लेंगे और ब्रेथ हो जाएगा 3x, इन तीनों चीज़ों को आप इस जगह रखेंगे ऊपर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2 लेंथ की जगह 5x, ब्रेथ की जगह 3x into 5 equals to 320। यहाँ से आप गाइस सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8x into 10, 2 × 5 = 10, 320x equals to 320 अपॉन 10 इंटू 8, ये आएगा आपके पास 4 मीटर। यहाँ से आपके पास जो लेंथ मिलेगी, आपको क्वेश्चन पूछा है लेंथ क्या होगी, तो आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 5x
मतलब 5 × 4 20 मीटर, और ब्रेथ आएगी आपके पास 3x, मतलब 3 × 4 जो कि 12 मीटर है। क्या है? 12 मीटर। तो आपका गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो कि काफ़ी सही तरीके से हो गया। तो यहाँ से आप जो है इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। चीज़ों को शॉर्ट शॉर्ट बिल्कुल मत लिखना, आप जितना हो सके ना खुला खुला लिखना, मतलब फैला फैला कर लिखना, मतलब इनको पूरा पूरा लिखना, तो क्वेश्चन की प्रॉपर लेंथ मिलेगी आपको। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ चीज़ें कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन करने का। तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, मतलब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी हुई है, बट हाँ एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली हो गया है। तो गाइस 10th क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको पहले ही आपको ये चीज़ देखो मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हम नगीन प्रकाशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ गाइस अपना सपोर्ट दिखाओ। हमारे 8K भी ऑलमोस्ट हो गए हैं, 10K होने वाले हैं। जितना हो सके गाइस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों से कहो कि सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें, ताकि यू नो मोटिवेशन मिलता है बहुत कि हाँ यार हमारी मेहनत, बस हमें क्या चाहिए, आप बस देखो, आपको पसंद आए तो आप बताओ, आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करो, और अगर आप कंटिन्यू टच में रहना चाहते हो तो गाइस सब्सक्राइब करो, बस यही तो चाहते हैं। बस और मेहनत हम करेंगे, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार अपना, और बाकी तो सब सही चल ही रहा है।